अभी भंवर सिर से लौटे हैं भोज करके। ये देखो, ये हमारा समाज है। ये गाड़ी स्टार्ट हो रही। और इधर देखता जाएगा। इधर देखता जा रहा है। बताओ, कोई न काम न काज के बताओ, आवाज में बुलंदी है, सब कुछ है, तो काम करो, काम करो। कोई काम नहीं करना चाहता। चलिए देखिए, सभी लोगों के नाम से हुआ, आपके जितने भी थे आज का भंवरेश्वर का, हजारों हजारों बंदर हैं, भूख से मर रहे थे। हम कहा आवाज़ सुन रहे हो भी नहीं, बताओ, जब आवाज़ में बुलंदी है तो काम करो, काम करके खाओ। नहीं, वहाँ आवाज है, मांग रहा है उसकी आवाज आ रही। अरे साधु जी, सब बेल झड़ के कटवा दीगा साधु जी पेड़? नहीं, कौन सा ये वाला बेल? नहीं तो बेल है, तो बेल देखिए, बेल पकता है अप्रैल के महीने में। हाँ, आजकल देखो ये कच्चा गिरता है, जिसमें आधा खराब हो जाएगा आधा अच्छा रहेगा, तो ये उबाल के खाना जाता है। हम लोग पकड़े रही, तुम चलो चले, 5 मिनट। अच्छा, तो ये मंगल का आज कौन दिन है? आज है बुध, बृहस्पत। बृहस्पत है तो मंगल को जय हो। तो मंगल को जो है, या तो डलमऊ या तो भंवरेश्वर, अब हर पक्का रखो। ठीक है ना, तो डलमऊ चलिएगा। हाँ, डलमऊ भी चलो। हाँ, ये मेरे थोड़ा रस वगैरह भी ले ली जाए। हाँ, हाँ, डलमऊ चलो। ठीक, मंगल का ठीक। आपको भी मौका हो, आप रहा करें तो आराम से बैठ जाया करें गाड़ी में। हाँ, हाँ। मामली बात नहीं, हनुमान जी आपसे बहुत ताम ले रहे हैं। अरे, हाँ, तब अपने को मामली ना समझिए। आप महंत तो नहीं, महंत के बाप हो गए हैं, पुलिस विभाग के महंत तो बन ही गए। अरे, आज चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ, बोलो? क्यों चमत्कार हुआ? तब अचानक हुआ, तब ठीक है। जय श्री राम, जय श्री। बिल्कुल पक्का रहा। यही रोहित जो है जा रहे हैं, और ये दरोगा जी थे पीछे, दीपेश मिश्रा के पिताजी। आज इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तब सवेरे 6 बजे, इसमें मैं अंदर सो रहा था भाई। रात में 2-2.5 बज जाते हैं, अब लोड करने में, ये करने में, तो सब होता है ना, ये वीडियो वगैरह डालते हैं। तो 6 बजे हम देखा वह भी तो बिस्तर में है। कहन गुरु जी, हम आ रहे हैं आपको लेने, या तो आप चलिए या तो गाड़ी दीजिए। अरे, हम कहा जब गाड़ी जाएगी तो हम भी चलेंगे। फिर ना अभी लैट्रीन गए, ना कोई कुछ, कोई भी नहीं किया, केवल कुल्ला किया, अशोक हलवाई के यहाँ जो चाय गए पिए, अशोक हलवाई के यहाँ जाना भी था, इशारा किया। हमने कहा भैया गाड़ी के स्टेपनी तो दे दो कम से कम। हैं, एक तो हमारा मतलब है कि ये शांति लाल जी अगर हमको सुन रहे हों, या सुमन माँ, आप सीधे सीधे मोहित को भेज दो, सारा हिसाब हो जाए। स्टेपनी इसी में रखी थी सब, वहाँ मतलब हर जगह लूट लुटैया किया गया, जितना भी लूट सकें। अब मौसम में बदलाव आया है, थोड़ा और आ जाए तो 15-20 दिन के बाद सुबह के टाइम इसको हम निकालेंगे और सामान ला देंगे। इसमें थोड़ा बनवाना पड़ेगा, 2-4 हज़ार रुपया लगा के बनवाएंगे इसको ऐसे, ताकि इसमें माल भर दो, आराम से लेके चले जाएंगे। ठीक है, चलते हैं, रखते हैं अभी। अभी भंवरेश्वर से लौटना हुआ है, और सबके नाम से भोज हो गया। और चांस की बात देखिए कि उस समय मैं मंदिर के ऊपर चढ़ा हुआ था, तो वहाँ पर इसका इनका फ़ोन आता है, उषा चौरसिया का, रास्ते में फ़ोन आ रहा है सुमन जी का, अचानक फ़ोन मिल गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हम सुमन जी से कहेंगे कि हमारा एक संदेशा, उसको एक टेप कर लें, अपने रिकॉर्ड कर लें,
और उसको अपनी बहन जी को सुनाओ मैं, ताकि वो लोग आपस में जो भी जो मैं बता रहा हूँ वही करें, मर्जी हो तो, और बाकी भैया जो मर्जी आपको हो जाए। क्यों सुमन माँ की आज इस बहुत मतलब जो अंदर उनके एक आज हनुमान जी की कृपा है वो साधारण बात नहीं है। मतलब सीना ठों के कहता हूँ, आप सुमन माँ के आप जो है उनके चरण छूइए, आप उनकी मदद कीजिए और उसके बाद रिजल्ट आप देखिए इतने दिनों में इतनी, क्यों अपनी तपस्या के बल से। जैसे स्वामी हरिहरन मूर्ति ने कहा था कि जिसको एक साल में क्रिया को हमको सीखने में लग गया था, उस क्रिया को मात्र एक हफ्ते में आपने करके दिखाया। वही हाल सुमन जी का है। सुमन माँ के अंदर जो शक्ति है पूरे हरियाणा में, पूरे दिल्ली में कोई महात्मा साधु सधुआइन बबाइन उनको पीछे करके दिखा दे, जो सुमन माँ ने शक्ति अर्जित कर लिया है अब, और दिनों दिन उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि सुमन जी अपनी जो बहन जी हैं उषा जी को हमसे बातचीत करवाइएगा और हमारी आवाज़ को टेप करके उनको सुना दीजिएगा। बता देना समझा देना मेरा काम है, और समझना न समझना लोगों का काम है। ठीक, अब लौकी जैसे गर्मी पड़ेगी ना कि लौकी कस के फलेगी, मौसम बदल रहा है, देखो किस तरह बच्चे बच्चे लगे हैं लौकी के, सब हर डाल में लौकी लगी है, अभी फल जाए तो खाया न चुके। ठीक है, चलें मैं बाणी को विराम देता हूँ, चाय पानी मैं करूँगा या हमारा पोशाक जल्दीबाजी में, बस ये तो जैकेट यहाँ बाहर पड़ा था तो हमने पहन लिया। ठीक, अचानक हजारों बंदरों ने आज भोजन, कितना बेचारे भूखे रहते हैं। मेरा दावा है कि उस भोज से बढ़ के कौन सा भंडारा है, कौन महात्मा है, कौन भोज है, हमें बताओ, बात करो। महात्मा बन गया वो भंडारा लोग करते हो, तुम्हारे घर में खाना है तो तुम प्रसाद के नाम पर खाते हो, बंदर कौन है ना बंदर, अरे उनको खिलाओ, उनको तो सूखा गेहूं दे दोगे वो भी खाएंगे बेचारे। ठीक, मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।